चर्चा फिल्म राम और श्याम की। इस फिल्म में पहले दिलीप कुमार के साथ वैजंती माला हीरोइन थी। फिल्म की 4 रील की शूटिंग भी हो चुकी थी। एक रोज की बात है, लाइट्स रेडी थी, कैमरा लग गया, सारे कलाकार तैयार, लेकिन वैजंती माला नदारद। प्रोड्यूसर बी नागी रेड्डी साउथ के थे। साउथ के लोगों में बहुत डिसिप्लिन होता है। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से बहुत डिसिप्लिन और बहुत ऑर्गेनाइज रही। वैजंती माला के ना आने से वो बहुत खफा थे, और जब वैजंती माला आई तो बगैर सॉरी बोले सीधे पहुंच गई अपने मेकअप रूम। थोड़ी देर बाद डायरेक्टर ने अपने एक असिस्टेंट को भेजकर उन्हें कंटिन्यूटी की साड़ी पहनकर सेट पर रिपोर्ट करने का कहा, लेकिन वैजंती माला ने वो पर्टिकुलर कंटिन्यूटी की साड़ी पहनने से इनकार कर दिया। बात बढ़ गई। नागी रेड्डी, जो अभी तक खुद को कंट्रोल किए हुए थे, बौखला गए। उन्होंने उसी वक्त वैजंती माला को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि आपका जो व्यवहार है, आपका जो एटीट्यूड है, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। हम इस तरह से काम नहीं करते हैं। आपका हिसाब लीजिए, आज के बाद आप इस फिल्म में काम नहीं कर रही हैं। नागी रेड्डी को नौशाद साहब ने समझाया, उनके मित्रों ने भी समझाया कि लाखों रुपए ऑलरेडी फिल्म की शूटिंग पे लग चुके हैं, ऐसा मत कीजिए। वैजंती माला ने माफी भी मांगी, लेकिन बी नागी रेड्डी जैसा आदमी, जो उसूलों का पक्का था, टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने तत्काल वहीदा रहमान को बंबई से मद्रास बुलाया और वैजंती माला की जगह राम और श्याम के लिए वहीदा रहमान को साइन कर लिया। ये नागी रेड्डी साहब वो आदमी हैं जिन्होंने दिलीप कुमार और राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार्स को भी डिसिप्लिन्स के लेसन्स दिए हैं। आज हमारी इंडस्ट्री को इसी तरह के डिसिप्लिन, अनुशासन, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। फिल्म संगीत इतिहासकार डॉक्टर हसमुख नागरेचा ने एक बात बताई है कि लता मंगेशकर का गाया ये गीत कहीं दीप जले कहीं दिल, दरअसल गाना था गीता दत्त को। फिर क्या हुआ कि वो इसे गा नहीं सकी, क्या वजह थी इसकी, बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो, सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।